ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बात तोल मोल के बोल की, नसीहत की। कृषि विभाग ने हाल ही में एक शहरी सब्जी प्रोत्साहन नाम से योजना लॉन्च की है, लेकिन विभाग ने आनन फानन में बिना बजट के ही ये योजना लॉन्च कर दी। योजना के तहत शहर में लोगों की घरों की छतों पर सब्जी की खेती करनी होगी, पर योजना के तहत पैसा कहां से आएगा, इसे लेकर विभाग अब टेंशन में है, क्योंकि कृषि विभाग का पैसा शहरी क्षेत्र में आखिर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा विभाग के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। चलिए आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। कृषि और किसानों के हितों के लिए बने कृषि विभाग ने हाल ही में एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है शहरी सब्जी प्रोत्साहन योजना। योजना के तहत शहर के लोग अपने घरों की छत पर ही सब्जियों की खेती कर सकेंगे। योजना की लॉन्चिंग के दौरान कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने दावा किया कि इसके तहत लोगों को 50% सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन ये पैसा कहाँ से आएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। देखिए, ये योजना जो है शहरी क्षेत्र में लोगों को, मतलब जो शुद्ध अपने स्तर पे सब्जी का उत्पादन करके और उपभोग कर ले, तो जो मतलब उनको एक तरीके से, चाहे वो तो जैविक कर लें, चाहे वो जो है पेस्टिसाइड का सेफ यूज़ करते हुए उत्पादन करके और अपने मतलब जो ज़रूरत को पूरा कर ले शहर के वासी, तो एक तो इसका मेन मकसद ये है। दूसरा मकसद ये है कि हरियाली भी की भी बढ़ोतरी हो। पैसा इसका देखिए, ये राज्य स्तर पे मतलब इसका प्रस्ताव दिया हुआ है, तो राज्य योजना से इसमें पैसा मिलने की संभावना है। दरअसल विभाग के नियमों के तहत कृषि योजनाओं का पैसा ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों के लिए ही आता है। ऐसे में विभाग की ऐसी कोई योजना अब तक आई ही नहीं है जिसके तहत पैसा शहरी क्षेत्र में खपाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक विभाग सेंटर को राष्ट्रीय कृषि बागवानी मिशन के तहत पैसा देने के लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारियों में जुटा हुआ है। योजना फिलहाल राजधानी जयपुर में शुरू करने की है, लेकिन इसके लिए पहले से ही जयपुर में JDA और निगम रूफ टॉप खेती को बढ़ावा और बजट दे रहे हैं। तो ऐसे में कृषि विभाग को कहां जरूरत है कि किसानों के पैसे शहर में खपाए जाए। नहीं, किसान का पैसा है, लेकिन इसका मतलब किसान लोग, ऐसा तो राज्य सरकार का निर्णय है ही, साथ में आखिरी इसमें आता है उपभोक्ता वर्ग, तो उपभोक्ता वर्ग में भी ऐसा नहीं है कि भाई शहर के, आज आप क्या मानते हैं शहर के अंदर क्या केवल जो मतलब परंपरागत रूप से जो शहरी थे वही रहते हैं, ऐसा नहीं है। आसपास के मतलब क्षेत्र के लोग, ग्रामीण लोग जो है वो भी यहाँ पर जयपुर के विस्तार जो क्षेत्र है उसके अंदर मकान बना करके रहते हैं। पूरे कृषि विभाग में और एक्सपर्ट इस योजना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सब यही पूछ रहे हैं, आखिर क्या सोचकर ये योजना लाई गई है। महकमा किसानों के लिए बना है, ऐसे में शहरी लोगों को ऑर्गेनिक और ताज़ा सब्जियां खिलाने के लिए विभाग के पैसे क्यों बर्बाद करने की तैयारी हो रही है। हालांकि मामला उछलने के बाद विभाग दोबारा योजना को चालू नहीं करने पर चर्चा करने में जुट गया है, लेकिन अब देखना होगा कि विभाग को अपनी गलती पर एहसास होता है या फिर नहीं। लेकिन जो भी हो, हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि पहले तोलो मोलो और फिर बोलो। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से दिनेश डांगी की रिपोर्ट। वहीं हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता दिनेश डांगी जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दिनेश, शहरी सब्जी प्रोत्साहन योजना लॉन्च की गई, या फिर यूं कहें कि आनन फानन में ये योजना लॉन्च कर दी गई। राजधानी के लोग जो थे, जो कि किचन गार्डन की तैयारी में पहले से ही जुटे हुए थे, वो थोड़ा खुश होते हुए नजर आए, लेकिन अब खुद कृषि विभाग टेंशन में नजर आ रहा है। क्या समझा जाए, क्या बजट जो है वो इस्तेमाल कैसे किया जाए, या फिर बजट जो है वो तैयार किया ही नहीं किया गया, क्या समझा क्या जाए।
जी बिल्कुल, राजस्थान के जो कृषि विभाग है, कह सकते हैं उनके एक आला ब्यूरोक्रेट्स जो नीरज के पवन है, वो जो है कमिश्नर के पद पर 2 माह पहले करीब उन्होंने ज्वाइन किया था। ताजुब की बात है कि एक बड़ा ब्यूरोक्रेट इस तरह की जो है योजना लॉन्च करते हैं, जैसा कि योजना का नाम है शहरी सब्जी प्रोत्साहन योजना, और जो अधिकारी जवाब दे रहे थे कि उनके शहर के लोगों की सेहत और उनको ताज़ा और शुद्ध जो है ऑर्गेनिक सब्जी मिले, इसकी चिंता ज़्यादा है, जबकि कृषि विभाग का काम है आप ग्रामीण क्षेत्र में किसान जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा दो। ऐसे में शहर के अंदर पहले ही लोकल बॉडीज काफ़ी है, JDA और नगर निगम है, नगर निगम ने बाकायदा इस तरह की एक योजना लॉन्च की है और वो जो है सब्सिडी भी दे रहे हैं, तो ऐसे में कृषि विभाग को कहाँ ज़रूरत थी। आपका काम पहले से है, किसान की जो है फसलें बर्बाद हो जाती है, नई नई उन्नत और जो नवाचार है। दिनेश, क्या समझा क्या जाए, क्या पुरानी योजना जो कि JDA और निगम द्वारा पहले ही लाई जा चुकी है उसको नया रूप दे दिया गया, या फिर उसी को आगे बढ़ाकर अपना नाम करने की कोशिश यहाँ पर सरकार द्वारा की जा रही है? जी देखिए, अभी इन्होंने जो है एक जो है शहरी सब्जी प्रोत्साहन योजना लागू कर दी है, क्योंकि बिना बजट और किसी भी जो है राशि का प्लान किए बिना आप योजना लॉन्च नहीं कर सकते, लेकिन आनंद फानन में योजना लॉन्च कर दी। जब फाइलें खंगाली गई कि हम किस तरह जो है बजट देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी ग्रामीण कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजना का पैसा आप जो शहर है उस इलाके में खर्च नहीं कर सकते। पहले से भी इस तरह की एक योजना भारत सरकार की जारी थी, 5 जिलों में जो है वो योजना चल रही थी, उसमें कोई खास काम नहीं हुआ, ये ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जोड़ सकते थे, लेकिन अब जो है शहर के लोग छतों पर सब्जी उगाएंगे उसके लिए आखिर कृषि विभाग पैसा क्यों देगा, क्योंकि किसान से इसको क्या मिलेगा, कृषि क्षेत्र में इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो ये जो है कह सकते हैं कि एक तुगलकी ये जो है फरमान इसको माना जा सकता। हालांकि किसान तो प्रदेश का वैसे ही परेशान है, मुआवजा अभी तक नहीं मिला और ऐसे में उनके साथ पर और संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या माना जाए कि योजना जो है बंद करने की कगार पर पहुंच गई है, बंद कर दिया जाएगा या फिर नए सिरे से इसका बजट तैयार किया जाएगा? जी देखिए, योजना अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन शहरी क्षेत्र के लिए जो है पहले से JDA और नगर निगम का जिम्मा है कि ये करे, कृषि विभाग के पास पहले से बहुत काम है, आप उसको निपटाइए। इसमें अब जो है जब उन्होंने फाइलें खंगाली तो ये तलाशना शुरू कर दिया कि बजट जो है कहाँ से दिया जाए, तो ऐसे में जो अब उनका दावा है कि भारत सरकार को राष्ट्रीय कृषि बागवानी मिशन के तहत प्रस्ताव भेजा जाएगा, लेकिन ये प्रस्ताव मुश्किल ही मंजूर में हो, क्योंकि शहरी क्षेत्र की योजना के लिए भारत सरकार क्यों पैसा देगा, अभी तक उन्होंने किसी भी राज्य को जो है भारत सरकार ने इस तरह कोई राशि जारी नहीं की है, तो अब कृषि विभाग प्रयास कर रहा है कि किस तरह जो है रास्ता निकाला जाए और जो सवाल खड़े हैं उनका जवाब दिया जाए। बिल्कुल, और इसीलिए जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं टेंशन में नजर आ रहे हैं और जो कि टेंशन है वो बनती भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी देने के लिए, लेकिन चर्चा में यहाँ पर पूरे तरीके से की जा रही है, चर्चा में खुद कृषि विभाग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर इस बजट को कैसे बुनाया जाए, कि आखिर इस योजना को आगे लाया जाए या फिर इसे बंद कर दिया जाए। चलिए, खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।